हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। ये वीडियो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का सेकंड पार्ट है, पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग बात किए थे चार टॉपिक के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग और दो जो रेस्ट टॉपिक हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंटेंस होने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप ये वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे बिना कोई लेट करते हुए। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। जो टॉपिक फाइव है वो है आपका दो चीज़ों में, कुछ कैंडलस्टिक और कुछ इंडिकेटर्स। आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, आप एक टेम्पलेट बनाना चाहिए हमेशा हर ट्रेडिंग में, कि आपको एक टेम्पलेट के बेस पे ट्रेड करना चाहिए। तो मैं आपको एक लाइक काइंड ऑफ रेडीमेड टेम्पलेट टाइप का दे दूँगा, तो वही है। अभी तो हम लोग बात करते हैं कुछ कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है, पहला है मॉर्निंग स्टार। ठीक, ये मॉर्निंग स्टार जो कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहला कैंडल देखो आप, ये एक रेड बनाया पूरा, एकदम सेलर्स इसमें हावी है। देन ये वाला क्या है, एक हॉल्ट कैंडल है। ठीक है, ये हॉल्ट कैंडल है, मतलब यहाँ पर सेलर्स इसको फॉलो थ्रू नहीं दे पाया। देन नेक्स्ट डे अगेन गैप अप हुआ, गैप अप होना ज़रूरी है। ठीक है, ये गैप अप होके देन इस कैंडल का जो थर्ड सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल का आपका एटलीस्ट इसका जो क्लोजिंग है या फिर ओपन जहाँ पर हुआ था उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इसका 50% ब्रेक नहीं होना चाहिए। देन यहाँ से देखो फिर ये कैंडल मूव किया और ये जो है क्लोज अबव 50% द फर्स्ट कैंडल, इसका 50% के ऊपर होना चाहिए कैंडल, क्लोज होना चाहिए 50% ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, तो इसके ऊपर का क्लोज होता, यहाँ पर भी क्लोज होने से ये वैलिड पैटर्न बना जाता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये आपका कब देखना चाहिए ये सब मैं बताऊंगा। ये पहले पैटर्न आप याद में रख लो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मैं जो भी पैटर्न बताने वाला हूँ इसका बाद में आपको एक मिलेगा कि इस पैटर्न को कहाँ देखना है, कब देखना है और कैसे देखना है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देन नेक्स्ट है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न, सेम और इसका उल्टा। पहले बायर्स ने इसको पूरा ऊपर लिखे किया, देन बायर्स ने फॉलो थ्रू नहीं कर पाया, देन मतलब वो एक हॉल टाइप का कैंडल बन गया। ठीक है, देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन होके देखो इसका 50% ने ब्रेक नहीं किया, 50% इसका ब्रेक नहीं किया, देन गैप डाउन होके ये मार्केट फिर से फॉल करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स आर वीक, कि बायर्स अगर स्ट्रांग होता तो मार्केट को यहाँ से उठा लेता, बायर्स इसमें कमज़ोर है, इसलिए बायर्स ने इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, बायर्स इससे हार मान चुके हैं। तो ये पैटर्न भी आपको कब देखना है मैं सब बताऊँगा आगे धीरे धीरे। ठीक है, देन नेक्स्ट है एनगल्फिंग पैटर्न। ये आपको देख के समझ में आ गया होगा कि बुलिश एनगल्फिंग, एक बेयरिश कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया इस कैंडल ने। ठीक है, सेम तो बियरिश एनगल्फिंग ये सब पैटर्न आप लोग को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जिस मैं से बता रहा हूँ कौन सा पैटर्न इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं, कुछ पैटर्न सीखो। हाँ, कुछ और है लेकिन उससे ज़्यादा आप कुछ ही को फॉलो करो और उसमें अपडेट करो, क्योंकि देखो 5000 स्टॉक्स है यार मार्केट में, 5000 स्टॉक्स आर देयर यू नो, और आजकल तो इंडेक्स में भी हर रोज़ एक्सपायरी होता है, तो आपको हर जगह हर कुछ ना कुछ मिलेगा। सो आप जस्ट डोंट बी दैट लाइक इम्पेशियंस। हाँ, तो आपको देखना है, आपको कुछ पैटर्न में ही फॉलो करना है और कुछ पैटर्न को आपको इतना महारत हासिल करना है ना, ताकि वो कभी ना छूटे आपसे। तो यह है बुलिश एनगल्फिंग, यह है बेयरिश एनगल्फिंग, ये समझ में आ गया आपको, इसको एनगल्फ कर दिया पूरा। हाँ, देन आपका और एक होता है हैमर, ये इंपॉर्टेंट है हैमर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हैमर कहाँ देखना है, ये देखो आप, ये हैमर जो है ये देखो यहाँ पर लो आपका वीक है, ऊपर आपका क्या है ग्रीन बना हुआ है, ग्रीन हो या रेड हो दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा लोअर वीक, मतलब वीक बहुत ही बड़ा होना चाहिए इसमें, ये तो आपको आपको भी पता है हैमर का इंपॉर्टेंस कब आता है। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये वाला ना आपका, ठीक है, ये वाला ये बन हैमर अगर किसी अपर मतलब अपट्रेंड मार्केट में बनता है ऊपर कहीं पर टॉप में, तो इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, हैंगिंग मैन प्रिफरेबल कलर रेड होना चाहिए हैंगिंग मैन का, और हैमर का प्रिफरेबल कलर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ये बात दोनों अभी याद रख लेना, हैमर का प्रिफरेबल कलर ग्रीन होना चाहिए, बॉडी ग्रीन होना चाहिए, और हैंगिंग मैन का प्रिफरेबल कलर रेड होना चाहिए। ठीक है, जब ये हैंगिंग मैन टॉप में बने तो ये आपका रेड कलर का होना चाहिए। हैमर का मतलब क्या है, देखो अभी सेलर ने पूरा कोशिश किया मार्केट को नीचे लाने के लिए, लेकिन बायर्स सेकेंड हाफ में हो, जब भी वो बायर्स पूरा पुश करके इसको ऊपर लेके गया। ठीक है, दैट मीन्स सेलर्स आर वीक एंड बायर्स आर स्ट्रांग। अभी इसमें बोलोगे तो फिर आप ये ऊपर अगर हैंगिंग मैन बनता है, रेड कलर का बॉडी बनता है, देन क्या आप बोल रहे हो कि ये आपका वो हो गया, ये बेयरिश है, क्यों बेयरिश है ये, क्योंकि देखो टॉप में बना है, मतलब सेलर्स ने इसको पूरा खींचा नीचे। लेकिन देखो हम लोग को सबको पता है कि फर्स्ट मार्केट में पुल बैक बाइंग में आ जाता है, लेकिन इतना जो बड़ा सेल आया था मार्केट, सेल ऑफ जो आया था, वो कहीं ना कोई इमेजर्स बायर आके उसमें बाय करने लग गए होंगे, देन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज हुआ। लेकिन इससे एक सेलिंग सेंटिमेंट दिखाई देता है कि मार्केट में सेलिंग सेंटिमेंट है, तो अभी ये
हैंगिंग मैन तभी आपका एक्टिव होगा जो इसके लो के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, और इसके ऊपर हाई के ऊपर नहीं जाके इसके लो के नीचे आके जब ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, जब हैंगिंग मैन हो या फिर हैमर हो तब जाके एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका स्पाइक हाइस, ये वाला आपको कभी कभार मिलेगा, इंडेक्स में मिलता है ये वाला स्पाइक लोस, ये सब स्पाइक हाई स्पाइक लोस, ये सब आपको इंडेक्स में मिलता है, ठीक है, स्पाइक बार्स बोलते हैं इसको आपको। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक ये कहाँ इंपॉर्टेंट है इसका, स्पाइक हाई एंड स्पाइक लो कहाँ देखना चाहिए आपको, लाइफ हाई के आसपास या फिर मेजर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके आसपास ये देखना चाहिए, इसको देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, ठीक है। ये आपको लाइफ हाई, 52 वीक हाई, 2 ईयर हाई, 5 ईयर हाई, 10 ईयर हाई, ऐसा टाइप का हाई के ऊपर आपको ये सब पैटर्न देखना चाहिए स्पाइक्स, तब वहाँ से एक भयंकर सेल ऑफ आने का चांसेस होता है, या फिर बाइंग भी सेम, अगर आपके मतलब बहुत बड़ा सेल ऑफ आने के बाद अगर आपको स्पाइक बार्स मिले तभी आप उसमें जाके ट्रेड कर सकते हो, और स्पाइक बार सिंपल है, उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। और इसको देखना कहाँ है सब मैं भी आपको बता दूंगा कुछ। देन अगेन आता है क्या, बियरिश आइलैंड रिवर्सल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये आपको नहीं मतलब मिलेगा नहीं इतना ज़्यादा इजीली, आपको कोई इसको डिस्कस नहीं करता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक है। इसको देखो आप क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप देखे, यहाँ पर मार्केट जो भी कैंडल बना इसमें, अब बस ऐसा कैंडल है, एक ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, इट्स ओके, कुछ भी कैंडल बने, ये हम लोग का लुकआउट नहीं, हम लोग का लुकआउट क्या है, जो गैप करके मार्केट ने ये बनाया उसी गैप को मार्केट, ये गैप को ऐसे रहने देना चाहिए, ये गैप को ऐसे रहने दे के अगर रहते मार्केट इस गैप को ऐसे ही जैसा था वैसे ही इसको रहने दे के, देन मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है नीचे फिर से गैप दे के ऐसा अगर कुछ भी बनाता है कैंडल, यहाँ पर कैंडल कुछ भी हो डजेंट मैटर, ठीक, कुछ भी हो कैंडल, कुछ किसी भी तरह का हो कुछ भी मैटर नहीं करता, ये गैप जैसे मार्केट तोड़ के गैप बनाया था वैसे ही तोड़ के गैप गैप डाउन करके वैसे ही तोड़ के इस गैप को रहना चाहिए, ये वाला गैप जब रहेगा इसको बोलते हैं, ये आपको क्या दिखता है, एक आइलैंड आइलैंड टाइप का नहीं दिखता है आपको, हाँ मतलब ये कुछ हो गया लाइक यू नो ये कुछ है, तो यहाँ पर एक गैप है और ये एक कैंडल पूरा एकदम अलग बन गया, आइसोलेटेड कैंडल बन गया, हाँ इसको शायद बेबी कैंडल भी बोलते हैं, आई डोंट नो कुछ एक नाम है इसका, और एक शायद ठीक है। सेम आपका बुलिश आइलैंड रिवर्सल, ये देखो सेम ये गैप ऐसा ही का ऐसा ही रह गया, ठीक है। तो मतलब क्या है इसमें भी क्या है, जो सेलर्स ने इसको सेल किया था, ठीक है, ओ मतलब जस्ट ये एक कुछ पैनिक सेलिंग होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, देन कुछ एक मार्केट में न्यूज़ आया होगा या फिर मार्केट को समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ नहीं है, देन वहाँ से आपका ये बाइंग आके गैप अप हो गया, देन मार्केट उसको रियलाइज़ करने लगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तब मतलब ये एक बहुत ही बड़ा इसमें से, जो शॉर्ट सेलर्स भी वो लोग भी ट्रिगर होते हैं, सब कोई धीरे धीरे उसमें ट्रिगर होते हैं, देन जो लोग बाइंग के लिए सोच रहे थे तो वो लोग भी बाय करने आते थे, देन धीरे धीरे वो और अप ट्रेंड में बदल जाता है, ये है बुलिश आइलैंड रिवर्सल। हाँ ये सब आप वो करके रख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसको बाद में आप लोग स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यह बियरिश डाइवर्जेंस RSI में, LNT का स्टॉक है, ठीक है, LNT का स्टॉक है, डेली टाइम फ्रेम में देखो बियरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है आपको, है ना, बियरिश डाइवर्जेंस पूरा दिखाई दे रहा है, क्लियर है, विजिबल है, तो आपको क्या लगता है सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा जो भी करता है, हम लोग गलती वही करते हैं कि हम लोग को दिखाई तो देता है लेकिन हम लोग ट्रेड कब करना वो नहीं पता होता है। जब ऐसे बेयरिश रिवर्सल बने तो आपको इसको देखना है कि कुछ क्या आप कुछ बन रहेगा, नहीं है, जब तक आप लोगों को बेयरिश डाइवर्जन देख के आप सेल करने लग जाओगे, यहाँ पर सेल करोगे कहीं पर सेल करोगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट होते रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको जब ऐसा दिखेगा तब आपको सेलिंग पैटर्न देखना है, ठीक है, सेलिंग पैटर्न देखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा लग रहा है, हल्का सा लग रहा है मुझे कि बेयरिश हो सकता है इसके नीचे जाने से, क्योंकि एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया अभी, ये भी बोलोगे आप देखो कि यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनाया था अच्छा खासा, लेकिन इसके नीचे ऐसा कुछ क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट ने, एक डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये भी रेड कैंडल ऐसे बनाया थोड़ा बड़ा वाला, लेकिन कुछ डिसाइसिव एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप का कैंडल बनाया, लेकिन इसके नीचे कुछ बियरिश एंगल्फिंग सॉरी, तो इसके नीचे कुछ डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं दे रहा है मार्केट, जब तक इसके नीचे कुछ डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप इसको बेयरिश पैटर्न के हिसाब से नहीं दे सकते, इसके नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग देना पड़ेगा, जब डिसाइसिव क्लोजिंग देगा तो आपके इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, देन आप थोड़ा इसको ट्रेड कर सकते हो, अगर आप मतलब स्टॉक्स में तो हम लोग में ऑब्वियसली फीचर्स एंड ऑप्शंस इसमें ही ट्रेड कर सकते हैं, तो कैश में तो हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते, तो जस्ट आपके लिए आपको जस्ट नॉलेज के लिए कि कैसे इसको आपको करना है ट्रेड, बेयरिश डाइवर्जेंस बने कुछ भी डाइवर्जेंस बने आपको पहले कंफर्म करना होगा कि हाँ ये डाइवर्जेंस बन रहा है, इसको कोई आपको मिल रहा है क्या, कुछ चीज़ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है देन लेट इट बी, रहने दो, हो सकता है डाइवर्जेंस में ये बहुत ऊपर तक भी चला जाए, डाइवर्जेंस यहाँ पर दिखाते रहे और ऊपर जाते रहे, ऐसा हो सकता है, बहुत बार हुआ हुआ है ऐसा, ठीक है। देन आपका बुलिश डाइवर्जेंस,
देखो सेम स्टॉक, और सेम स्टॉक एलएनटी का ही आपका देखो बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर मिला, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस मिला। देन आपको क्या देखना है, ए वाइड रेंजिंग कैंडल, वाइड रेंज कैंडल है ना, ए वाइड रेंज कैंडल। ये जो वाइड रेंज कैंडल होता है इसका बहुत सारा स्पेसिफिकेशंस है एक्चुअली। आपको कोई भी वाइड रेंज कैंडल आपको कब वो करना है, कोई भी ब्लू चिप स्टॉक्स हो, कोई भी ब्लू चिप स्टॉक्स हो, वाइड रेंजिंग कैंडल मतलब कल कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, जो भी है, रेड हो या ग्रीन हो, रेड होगा तो बेरिश है, ग्रीन होगा तो बुलिश है। अगर ब्लू कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का कैंडल बना, हाँ ग्रीन कलर का कैंडल बना आपका, तो उसका ग्रीन हो या रेड हो, तो आपका कम से कम ब्लू चिप स्टॉक्स में 4 से 5% का वो कैंडल होना चाहिए, ओपन प्लस नहीं, कैंडल, कैंडल 4 से 5% का होना चाहिए। मान लो अभी 1,000 रुपये में एलएनटी ट्रेड कर रहा है, 1,010 में वो ओपन किया है, ठीक है, तो 1,000 एटलीस्ट 50 तक जाना चाहिए 4% का, 1,000 1,050 तक जाएगा तो 4% होगा ना, 10 तो गैप अप में हो गया, वो उसको गैप अप को छोड़ के 4 से 5% का अगर मिनिमम देता है वो, 4% मिनिमम रख लो, अगर कोई भी ब्लू चिप स्टॉक्स देता है, ब्लू चिप स्टॉक्स कोई भी 4% मिनिमम मूव देता है, रेड में हो या ग्रीन में हो, तो उसको आप एक वाइड रेंज कैंडल मान सकते हो। सेम केस द इंडेक्स, इंडेक्स में एटलीस्ट आपको 2% का मूव चाहिए, वो कैंडल का मूव 2% होना चाहिए, तब जाके वो वाइड रेंज कैंडल में काउंट होगा, ठीक है। तो हर किसी ए वाला कैंडल का वाइड रेंज मत मान लेना, ए वाला कैंडल का वाइड रेंज मत मान लेना, ठीक है, तो अब बस बड़ा कैंडल देख लिया हो गया, नहीं हुआ, या फिर यहाँ से आप 50% भाग गया, नहीं हुआ, वो कैंडल इटसेल्फ 4% का होना चाहिए, और कैंडल ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा अपर शेडो ना हो, ज़्यादा लोअर शेडो ना हो, ऐसा ना हो, अपर शेडो मतलब अपर विक एंड लोअर विक ना हो, ठीक है। तो ये आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिला, बुलिश डाइवर्जेंस मिला, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर वाइड रेंजिंग कैंडल मिला, ठीक है, और कहाँ पर मिला, ये देखो 200 EMA के यहाँ पर, ये 50 EMA है, हाँ ये 200 EMA है, 200 EMA के आसपास आपको वाइड रेंजिंग कैंडल मिला, इसका मतलब क्या कि ये कन्फर्म हो रहा है कि हाँ चलो ठीक है। अगर कोई प्रो ट्रेडर होगा तो वो यहाँ पर ही एंट्री मार लेगा, क्योंकि ये एक जस्ट एक मार्केट पुल किया था, देन इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर एंट्री कर लेगा, देन इसका स्टॉप लॉस इनिशियल यहाँ रहेगा, देन जब ये वाला ब्रेक करेगा तो वो स्टॉप लॉस अपना यहाँ प्लेस कर देगा, देन वो धीरे धीरे जब ये करके फिर ये भी ब्रेक करेगा, देन एड ऑन करते जाएगा, कोई प्रो ट्रेडर यहाँ पर एड ऑन कर करके धीरे धीरे बढ़ते रहेगा वो, ठीक है। तो ये ऐसा करके आपको एड ऑन करना है, जैसे स्केलिंग में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्केलिंग करना सीखो मार्केट में, स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट, बस विदाउट स्केलिंग आप कभी कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि आप वन गो में बाई करोगे तब आपका बहुत ही मतलब कभी एक स्टॉक इनकेस कोई फ्लक्चुएट किया, मान लो कुछ बैड न्यूज़ आ गया, सडनली लो 15% 20% गिर गया, देन आपका खत्म। अब अगर यहाँ से बाइंग शुरू कर दो धीरे धीरे, तो आपका एक एवरेज प्राइसिंग हो जाएगा, देन आप उसमें खेल सक अच्छे से आप उसको प्ले कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, बुलिश डाइवर्जेंस हो गया ना, बुलिश डाइवर्जेंस हम लोग बात कर लिए, अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ये देखो वाइड रेंज कैंडल एट 50 EMA यहाँ पर भी बना, वाइड रेंज कैंडल 50 EMA भी बना, फिर यहाँ से देखो क्या हुआ, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, कंसोलिडेशन बट नॉट ब्रेकिंग वाइड रेंज कैंडल, ये कंसोलिडेट किया यहाँ पर बट वाइड रेंज कैंडल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको सबसे मतलब एक लाइक सब्सटेंशियल अमाउंट पे ब्रेक नहीं किया होगा, या फिर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया होगा इसको, तो फिर यहाँ से क्या देखो, यहाँ से फिर मूव आने लग गया, फिर आप इसको अब मार्क कर लो ना कि इसके ऊपर जाने से मैं बाइंग करूंगा, देन यहाँ पर आपका बाइंग सिग्नल मिल गया होगा, तो हम इसको राइट कर सकते थे, ठीक है। ये सिंपल है, आपको कहाँ देखना है आपको पता चल गया अभी, हाँ डब्ल्यू पैटर्न देखो, डब्ल्यू पैटर्न नियर 200 EMA यहाँ पर आपको लिखा लिखा मिलेगा, देखो डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पर, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में देखो आपको 200 EMA के आसपास आपको डब्ल्यू पैटर्न मिला, ठीक है। लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढते रहते हैं, ये आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, कभी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं आता चलेगा, 50 EMA एंड 200 EMA, आई एम बिग फैन ऑफ इट, क्यों मैं बिग फैन हूँ इसका, इसके आसपास 50 EMA 200 EMA के आसपास अगर एक स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग अप मूव में चल रहा हूँ या फिर डाउन मूव में चल रहा हूँ, 50 EMA मैं उसको ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, एक स्टॉक थोड़ा साइडवेज से अप मूव में चल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बुलिश हो या लॉन्ग टर्म बेरिश हो, तो मैं इसको 200 EMA में ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है। तो 200 EMA एंड 50 EMA इज़ फॉर मी लाइक एक मतलब वरदान टाइप का, कि आप 200 EMA या 50 EMA के आसपास अगर आपको पैटर्न अच्छा मिलता है, मान लो मार्केट बहुत बड़ा चला गया, बहुत आगे चला गया, देन आपको वेट करना है कि 50 EMA के आसपास आने देता हूँ, देन मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनाता है, वहाँ पर आपको ये सब पैटर्न काम आएंगे जो आपको जो भी सिखाया है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, हैमर, या फिर आपका क्या बोलते हैं हैंगिंग मैन, ये सब आपको सब काम आएगा, तब आपको स्पाइक बार्स, ये सब आपको काम आएगा, स्पाइक बार्स हो गया, ये सब आपको सब काम आएगा, बेरिश आइलैंड, बुलिश आइलैंड, ये सब आपको काम आएगा, डाइवर्जेंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। वाइड रेंज कैंडल,
ये वाला जो देखो अभी बैंक निफ्टी में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, हाँ ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल देखो, ये वाइड रेंज कैंडल है। मतलब क्या, अभी जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, क्लोजिंग याद रखो जाने से नहीं होगा यार, खाली जाने से नहीं होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक क्लोज नहीं करता तब तक मार्केट बुलिश में नहीं आएगा, इसके ऊपर डिसाइसिव और कम से कम 2-3 दिन क्लोजिंग करना पड़ेगा डिसाइसिवली, तब जाके बुलिश, क्योंकि ये वाइड रेंज कैंडल इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको ऐसा भी मिल सकता है एक दिन ऐसा स्पाइक मिल गया, स्पाइक मिल के दिन आके यहाँ पर क्लोजिंग होगा, आपको ऐसा भी मिल सकता है कैंडल, ठीक है। ये क्यों होगा, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए होगा। जो लोग बेयरिश पोजीशन बना के आप बैठे होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऐसा जा सकता है, देन ऐसा आगे क्लोज कर सकता है, ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा होने का चांसेस भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होएगा, बट हो भी सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 दिन साइडवेज रह के देन इसको ब्रेक करे, ठीक है, साइडवेज ब्रेक करे देन यहाँ पर फिर से 2-3 दिन यहाँ पर साइडवेज रहे देन फिर ब्रेक करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली से इसको ब्रेक किया ना, अगर साइडवेज ना रह के 2-3 दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक किया, तो ये होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर डायरेक्टली ऐसा ब्रेक किया, मान लो कि मैं कुछ आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लो यहाँ पर एक कैंडल बना, यहाँ पर एक बना, यहाँ पर एक बना, देन डायरेक्टली ऐसा ऐसा चला गया वो ना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं किया, डायरेक्टली चला गया, देन फिर ऐसा कैंडल बनाने का चांसेस है इसका, बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर डायरेक्टली चला जाता है तो। ये रहा कुछ आपको जो मैं सिखाया, इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। आपको जैसे बोला कि RSI देखो, डाइवर्जेंस देखो, EMA देखो, 50 एंड 200 EMA, इन तीन को रखो आप चार्ट में, 50 EMA, 200 EMA, RSI डाइवर्जेंस के लिए। जन आपको क्या देखना है, RSI में डाइवर्जेंस दिखा, आप देखो अभी कि कोई बेरिश पैटर्न दिख रहा है क्या, दिख रहा है शॉर्ट करो, RSI में बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, कोई बुलिश पैटर्न दिख रहा है क्या, लॉन्ग करो, देखो 200 EMA के आसपास है, 50 EMA के आसपास है, ठीक है करो। आपको चार्ट, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है आपको समझ में नहीं आता, कि मेन की पॉइंट कौन सा है, मेन मतलब एक होता है कि आपका, इसको बोलता है कि पार्शियल पिवट्स, एक बोलता है कि मेन पिवट्स, मान लो कि ये वाला आपका पार्शियल पिवट्स, मान लो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट इसको ब्रेक करने का चांसेस है, हाँ इसका हो सकता है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको ब्रेक करने का चांसेस है, क्यों, जैसे कि इसको मान लो ये पार्शियल पिवट्स, इसको ब्रेक करने के चांसेस है मार्केट का, तो आपने सोचा कि हाँ यहाँ पर तो लो एक स्विंग बनाया इसके ऊपर मार्केट, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, लेकिन मार्केट ये एक पार्शियल पिवट्स मान लो, इसको मार्केट ब्रेक कर सकता है, तो ये हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आता, आपको नहीं पता कि ये मेन पिवट्स है, ये पार्शियल पिवट्स है, तो ये वाला मेन जोन है, आपको ये समझ में नहीं आता, आप कितना चार्ट की नॉलेज नहीं है। देन आप तीन चार चीज़ों को रखो, EMA रखो 50 EMA एंड 200 EMA, देन आप RSI रखो, देन जो आपको जो सिखाया ये सब सबको आता है ना, लेकिन यूज़ कहाँ करना है वो नहीं आता है। मॉर्निंग स्टार सबको आता है, इवनिंग स्टार सबको आता है, एनगल्फिंग सबको आता है, हैमर हैंगिंग में सबको आता है, स्पाइक हाइज ये शायद नहीं, ये थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा यूनिक है, ये स्पाइक हाइज, ये बेयरिश आइलैंड रिवर्सल ये तो नहीं आता होगा, ये थोड़ा सा ये भी यूनिक है, तो ये सब देख लो, ये सब देख के आपको कहा यूज़ करना आपको सीधा बता दें मैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको यहाँ बताया, अगर सपोज यहाँ पर ऐसा कैंडल बनता है फिर से, तो इसको भी आप स्पाइक हाइज की तरह भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये आपका एक रेंज ब्रेक करने की कोशिश किया, जो मतलब वाइड रेंज कैंडल को ब्रेक करने की कोशिश किया और इसको भी ब्रेक करने की कोशिश किया, तो इसको आप स्पाइक हाइज की तरह ले सकते हो कि हाँ ये कोशिश किया था एक वाइड रेंज कैंडल को ब्रेक करने के लिए लेकिन फेल हुआ, देन ये भी आपका एक प्रेफरेंस लेवल बन जाएगा कि मार्केट इसको ब्रेक ना करे जल्दी, ठीक है। तो ऐसा होता है ट्रेडिंग, तो आपको सिंपल रखना है चीज़ों को, चीज़ों को कहाँ देखना है कैसे देखना है वो आपको पता होना चाहिए। 50 EMA, 200 EMA, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वाई, क्योंकि लोग नहीं समझते कहाँ देखना है क्या करना है। 50 EMA एंड 200 EMA पे आपको सब चीज़ देखना है, कहाँ कुछ बन रहा है, डाइवर्जेंस मिला देन देखो चार्ट में कि तब कुछ बेयरिश पैटर्न बन रहा है क्या, विदाउट पैटर्न जस्ट डाइवर्जेंस दिखा, शॉर्ट मत करो लॉन्ग मत करो, बुलिश डाइवर्जेंस मिले तो। आपको जो कैंडल के बारे में बोला, वाइड रेंज कैंडल, ये सब कैंडल सीखो थोड़ा सा, थोड़ा देखो इसको नज़र में रखो, खाली इसके ऊपर बाय इसके ऊपर सेल कैसे करना है वो सब मत देख, ठीक है। और आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं आता तो आप स्टॉक्स में जाओ, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर भी अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आपने किया होता कुछ भी, हाँ यहाँ पर भी कुछ बाइंग किया होता बैंकिंग स्टॉक्स में, तो आपको कितना अच्छा मूव मिलता, आपको हर जो पूरा आप मूव आपको मिल जाता उस स्टॉक्स में, आपको स्टॉक कैसे ढूंढना वो भी आपको सिखाया, हाँ। तो ऐसे करके आपको देखना है कि कैसे मुझे कहाँ पर मुझे ट्रेड मिल सकता है और मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर अभी मिलते हैं अगले टॉपिक में, आई होप आपको पांचवा एपिसोड अच्छा लगा, तो अभी छठे एपिसोड में जाते हैं हम लोग, अभी बात कर छठे एपिसोड के बारे में कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो,
देखो पहले मैं इस वीडियो के मतलब पार्ट वन में बता चुका हूँ कि आपको मल्टीपल अकाउंट्स रखना पड़ेंगे अगर आप मल्टीपल टाइप के ट्रेड्स करते हो। अगर आप एक ही टाइप के ट्रेड करते हो देन इट्स ओके, एक ही अकाउंट रखो डीमैट अकाउंट रखो इट्स ओके। मल्टीपल रखते हो देन मल्टीपल ट्रेडिंग करते हो देन मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखो। अगर आपको भी कोई डीमैट अकाउंट खोलना है तो मेरे लिंक पर डिस्क्रिप्शन है, जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो आप। तो ठीक है, तो आपको करना क्या है, मान लो आपकी आप दो तरह के ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस बाय करते हो या सेल करते हो, व्हाट एवर यू डूइंग इंट्राडे करते हो, और आप एक स्विंग खेलते हो, स्विंग स्टॉक्स करते हो, मतलब स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल टाइप का ट्रेडिंग करते हो 15-20 दिन या फिर एक हफ्ता टाइप का ट्रेडिंग करते हो, तो दोनों का अलग अलग अकाउंट रखो। इसमें मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आपको स्टॉक्स में आप वहाँ पर मान लो आपको 5 लाख का कैपिटल, आप 2 लाख मान लो स्टॉक्स में लगा रहे हो और 3 लाख आप ऑप्शन में लगा रहे हो, तो 2 लाख को आप रखो ठीक है। 2 लाख को आप जो स्विंग ट्रेडिंग वाला अकाउंट है उस वहाँ पर रखो। देन स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका ना 2 लाख ही कैपिटल है, 5 लाख कैपिटल मत सोचना कि मेरा 5 लाख का कैपिटल है, आपका 2 लाख का कैपिटल है, क्योंकि आप 2 लाख से स्विंग कर रहे हो और आपका सेम 3 लाख का ऑप्शन करो तो आपका 3 लाख का कैपिटल है। तो इससे क्या होगा, आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, देन आपका प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो करेगा, देन आपको जो ग्रो होते रहेगा तब आप धीरे धीरे पोजिशन साइजिंग बढ़ाओ। आपका 2 लाख का है देन आप क्या करोगे, एक ट्रेड में एक स्विंग ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 4,000 होना चाहिए मैक्सिमम लॉस। अगर 3 लाख का आपका जो ऑप्शन वाला ट्रेड है उसमें आपका मैक्सिमम लॉस 6,000 रुपये होना चाहिए पर ट्रेड, 6,000 रुपये होना चाहिए ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको अभी एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको आपकी ट्रेड कैसे लेना है। आपने स्विंग ट्रेड में ले लिया, एक ट्रेड लिया, आपको आपको थोड़ा टारगेट मिला 5% वाला, आप बुक कर लिया ठीक है। एक लॉस हुआ उसमें आप बुक कर लिया, ऐसा चलता है सबका, लॉस हुआ 3% 5% प्रॉफिट में निकल जा रहे हो ठीक है, ऐसा मत करो ठीक है। मेरा 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड ही अच्छा जाता है, 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है, 3 ट्रेड में मैं ऑन कॉस्ट हल्का प्रॉफिट हल्का नुकसान में निकलता हूँ ठीक है। मान लो 5,000 का मेरा लॉस था उस ट्रेड में, उसमें 5 जो 3 ट्रेड होता है उसमें मैं 1,000 नुकसान 1,000 प्रॉफिट या 2,000 प्रॉफिट में मैं निकलता हूँ ऐसा टाइप का। और जो 2 ट्रेड होता है मेरा वो मेरा बहुत अच्छा होता है, और बाकी 5 ट्रेड में मेरा पूरा 5,000 का स्टॉप लॉस हिट होता है। आप बोलोगे तो फिर क्या करना है, आप जो आपका विनर्स है उसको आपको रहने देना है। अभी ऐसा नहीं कि आप स्विंग के लिए लिया, अब इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मान लो कि आपने एक व्यू था कि एक हफ्ता में यहाँ पहुँच सकता है, 1 वीक में स्विंग के लिए, 1 वीक के लिए खेलते हो, तो आप वो कल सुबह उठ के देखा वो उसको क्रॉस कर गया, आप बुक कर लिया। अरे कल सुबह उसको क्रॉस कर लिया तो हो सकता है 2 दिन में और मूव दे ये, और 3 दिन में और मूव दे, जस्ट बी पेशेंस। तो आपका 1 वीक का व्यू था, 1 वीक तो रखो इसको, आप 1 दिन में ही क्यों निकल जा रहे हो उससे, मत निकलो तब। तब आपको वहाँ से नहीं निकलना है, रहना है। हाँ अगर आपका 5 दिन बाद वो टारगेट हो रहा है तो आप निकल जाओ, लेकिन आपको 1 दिन में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिले होंगे कि आज लिया कल ही आपका टारगेट हिट हो गया, आपने वो 15 दिन के लिए लिया था, लेकिन आप निकल जाते हो फिर देखते हो यार रखता तो यार 40% हो जाता, सिर्फ 6% लेके निकला मैं, दैट्स द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। वो मत करो, स्टॉप लॉस हिट होता है इट्स ओके, क्विक निकलो लॉस से, क्विक निकलो, एकदम भागो, एकदम पूरा प्रॉफिट में रहो, प्रॉफिट में रहो, रहना सीखो, वही आपको काम आएगा ठीक है। प्रॉफिट में रहो और उसको आप होल्ड करने की ताकत रखो। आज जैसे अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी अगर ऑप्शन करते हो तो उसमें आप इतना होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है, बाय करते हो तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाला है क्योंकि तब थी टटके आएगा ऐसा आएगा। तो ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन बाय करने से आप जो स्टॉप लॉस रखें उसको आप ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, हो सकता है आपको एक बड़ा टारगेट मिले, एक हो सकता है आपको एक बड़ा टारगेट एकदम आपको 10 रुपये वाला 200 रुपये तक का टारगेट मिले, ऐसा भी मिलता है, तो आप उसको ट्रेलिंग में लगाओ। आप कब ट्रेलिंग लगा सकते हो, जब आप उसका रिक्स को एक लिमिट में रखोगे कि मैं 6,000 तक ही रिक्स लूँगा, 3 लाख में तो 6,000 ही लूँगा मैं। आपका 3 दिन लॉस हुआ 18,000 लॉस हुआ ठीक है, 3 लाख में से 2,82,000 है, 4 दिन लॉस हुआ तो फिर कितना बचा है 2,76,000, 5 दिन लॉस हुआ 2,70,000 बचा है। अगर एक अच्छा ट्रेड मिल गया देन एक ही ट्रेड में आपका हो जाएगा वो 30,000 40,000 आ जाएगा। अपना प्रॉफिट देख के डरते हो, प्रॉफिट से मत डरो लॉस से डरो। लोग प्रॉफिट से डरते हैं कि प्रॉफिट देखा 5,000 का 7 मतलब 8,000 9,000 हो रहा है कर दिया, पहले सबका होता है, लेकिन उसको आप एक इनबिल्ट रखो, एटलीस्ट क्या करो एक सिस्टम रखो, एटलीस्ट इंट्राडे में अगर ऑप्शन बाय करते हो तो उसका एक सिस्टम रखो 1:3 मिनिमम, मिनिमम बोलूंगा 1:3 इंट्राडे में भी। अब लोग बोलेंगे नहीं इतना नहीं मिलता, नहीं मिलता तो ट्रेड मत करो उस टाइम पर, आपको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा सेटअप मिल रहा है जिसके लग रहा है कि 1:3 तो होना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 48,000 में, मान लो आपको लग रहा है कि 48,000 से मान लो 45,000 48,500 तक जाएगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये, 48,200 का कॉल ऑप्शन 100 रुपये में, आपका स्टॉप लॉस है 30 रुपये, आपका स्टॉप लॉस है 30 रुपीज़, 70 रुपये मतलब 70 रुपीज़ में आपका स्टॉप लॉस, 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है आपका, तो आप देख रहे हो ये 500 तक जा सकता है आज,
तो आप अगर 500 तक जाएगा वो, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम से कम 350-400 हो जाएगा। तो आपका 1:2 कितना हो गया, 1:2 कितना हो गया, 1:2 कम से कम 7-8 टाइम्स हो गया 1:2 ना। तो आप कब निकल रहे हो, 1:1, 1:2 में निकल रहे हो, 7-8 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका 100 का प्रीमियम 350 जा रहा है, 250 का प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, मतलब कि 30 रुपये का 100+1:8 मिल रहा है आपको, तो 1:8 मिल रहा है ना आपको, तो आप तभी ट्रेड करो जब आपको लगता है कि ऐसा एक ब्लास्ट मूव आ सकता है, तभी ट्रेड करो। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है कि हर एक सेगमेंट का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग रखो। पोजिशनल में आपको 6 महीना का व्यू है, उसमें आप रखो, उसमें आप ऐड ऑन करो, उसमें स्केल इन करो, ऐड ऑन करके स्केल इन करके 1 साल का व्यू है, स्केल इन करो, स्केल इन करना सीखो धीरे धीरे। आपको मेरी इस वीडियो में भी, पहले वाला वीडियो में बताया, स्केल इन करना सीखो। और हर चीज़ के पीछे मत भागो, मैं बार बार इस चैनल में बोलते आ रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे मत भागो। कुछ चीज़ को लो, कुछ चीज़ों पर अच्छे से उस पर काम करो, 1 महीना 2, देखो आप कैसा होता है आपका, आपका ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगा, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपका साइकोलॉजी बदल जाएगा। और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, यही सब तो है। 20% जो आपको सिखाया है, 20% स्ट्रैटेजी है, मैं तो वही आपको सिखा रहा हूँ कि इसमें ध्यान दो, साइकोलॉजी में ध्यान दो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, बाकी चीज़ हो जाएगा। अभी साइकोलॉजी जैसे कि अब इसमें यह है कि आप विनिंग ट्रेड्स में नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते, आपको डर लगता है कि लॉस ना हो जाइए। तो जब लॉस होता है तब क्यों रुकते हो, तब डर नहीं लगता कि और लॉस ना हो जाए, तब तो रुकते थे ना, इसमें भी रुको। तो अभी लॉस से डरो कि लॉस, ये लॉस गया तो क्या, आप सोचते हो कि बुक कर लिया तो लॉस हो जाएगा, नहीं। ऐसा मेरा बहुत दिन होता है कि मैंने मान लो एक कॉल बाय किया, लॉस हुआ, तो फिर से मैं वही कॉल बाय करता, लोग क्या करता है कॉल बाय किया लॉस हुआ तो पुट बाय कर लेते हैं। आपका टाइमिंग गलत हो सकता है। आप देखो, मैं कुछ आपको मैं हिंट दे देता हूँ, कुछ हिंट नहीं, कुछ आपको मैं टिप्स टाइप का दे देता हूँ। इंट्राडे में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आप, इंट्राडे में एकदम प्योरली इंट्राडे पर्पस के लिए, मैं आधा घंटा 1 घंटा का आपका व्यू होता है, 1 घंटा 2 घंटा बाद जो भी इंट्राडे में आप स्क्वायर ऑफ करने वाले हो एट एनी कॉस्ट, ऐसा टाइप का आपका ट्रेड अगर 15 से 20 मिनट पे और प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, मान लो आपने ट्रेड लिया 100 रुपये में ऑप्शन बाई किया, वट एवर यू आर डूइंग, लाइक स्टॉक्स बाई किया, कुछ भी बाई किया, आप 100 रुपये में बाई किया और 15 से 20 मिनट में अगर वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, बाद में लॉस में भी आए दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं जा रहा, मान लो आप 100 में बाई किया, उसके बाद वो आपका स्टॉप लॉस है 70, ऑप्शन बाई में 70, स्टॉक में इतना नहीं रहेगा जो भी है, बट ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 70 में आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका मान लो कि 15-20 मिनट तक वो 100 के नीचे रहा, आप एंट्री करने के बाद वो नीचे रहा, ऊपर गया ही नहीं, हो सकता है 1-2 टिक मारा हो, 101 102, फिर नीचे आया, फिर 90 के आसपास चल रहा है, 80 जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो 20 मिनट से 15-20 मिनट से यहीं पर है, तब समझ लेना कि आपका या तो एंट्री गलत है, टाइमिंग गलत है, कुछ तो गलत है। अब उस स्टेज से निकल सकते, फिर एंट्री करो जब आपको सही लगे, ठीक है। सेम विथ स्विंग ट्रेडिंग, अगर आपने कोई स्विंग में क्या करते हो, मोमेंटम चेज करते हो ना कि आज स्टॉक ऐसा किया तो कल और मोमेंटम करेगा, एकदम भागेगा ये, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप सिंपल रखो उसको कि आप उसको अगर देख रहे हो कि आपने जो बाय किया उसके नीचे नेक्स्ट 2-3 दिन, अगर अगर 1 वीक का है, 1 दिन 2 दिन रहा उसके नीचे नीचे रह रहा है, वो ऊपर जा ही नहीं रहा है, निकल जाओ उससे, क्योंकि आपको विनिंग चीज़ आपको देख के समझ में आएगा। आप ट्रेड एक लिया, वो विनिंग में गया, फिर लूजिंग में आया, तब भी ठीक है, लेकिन वो विनिंग में गया ही नहीं, आप लेने के बाद से वो लूजिंग लूजिंग में चल रहा है हाफ ऑफ द टाइम, देन वो थोड़ा सा गलत है। आपने लिया ट्रेड, विनिंग में गया, मतलब पीएनएल ग्रीन दिखाया, बहुत 5-10 मिनट ग्रीन दिखाया दिखाया, देन आया नीचे, देन फिर से ग्रीन में गया, वो आपका अच्छा ट्रेड है। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत होता है, 100 का ऑप्शन 130 जाता है, फिर आता है 90 में जाता है, फिर वो जाता है 300 तक, ऐसा होता है ना, वही है, वो 130 तक जानना ज़रूरी है, तब अगर 90 तक आया दिक्कत नहीं है, होल्ड करो। हम लोग क्या करते हैं, तो 130 तक गया, 90 आने आते तो 115 में 10 में हम लोग बुक करते, नहीं नहीं ये तो नीचे आएगा, फिर देखते कि 90 तक आया, तब तक थोड़ा खुश होता है कि हाँ यार मैं तो परफेक्ट टाइमिंग पे निकला, 90 में निकल गया मैं, वाओ, मैं 115 में निकला, 90 तक आया, वाओ आई एम प्रो ट्रेडर, फिर देखते हो 90 वाला 300 जाता है, 400 जाते हुए देखते हो, फिर लगता है यार अगर इसको रखता तो मज़ा आ जाता, नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं बस टिप्स को दिया क्योंकि आपको रखना किसको है आपको समझना आना चाहिए, तो वो सीख लो रखना किसको है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब में, कौन कोई भी नहीं बोलेगा आपको रखना किसको है। आप कैसे समझोगे ये वाला ट्रेड मेरा विनिंग ट्रेड बन सकता है, वो मेरा लंबा वाला ट्रेड बन सकता है, कैसे आप समझोगे, जैसे लिया इंट्राडे में 15-20 मिनट से अगर वो नीचे ही रहा, आपका बाइंग प्राइस से नीचे ही रहा, खाली 1-2 टिक लगाया, देन इट्स ए रॉन्ग ट्रेड या रॉन्ग टाइमिंग। अगर बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर जाके 110 का 115-120 गया जाके फिर आया नीचे, इट्स ओके, देन होल्ड इट, हो सकता है ट्रेड दे सकता है, तो आपका 30-40% आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेड मुझे पैसा देने वाला है। देन फिर आपका वो वाला जो स्विंग में बोला आपका 1-2 दिन में, पोजिशनल में भी सेम, अगर आप लेने के बाद 1-1.5 महीना में कोई मूव नहीं कर रहा है, 2-1.5 महीना हो गया, आपका 6 महीना का व्यू है, 1-1.5 महीना अगर कोई मूव ही नहीं किया, देन तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है, वैसा टाइप का आपको करना है प्लानिंग।
तो आई होप आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन भी दबा के जाओ। मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो लाता हूँ, लर्निंग वीडियोस भी लाता हूँ, एकदम लर्निंग वीडियोस मैं जैसा लाता हूँ ऐसा कोई नहीं देता, कि मैं सब कुछ बताता हूँ क्लीन एंड क्लियर, और मेरा थोड़ा सा अलग व्यू से बनाता हूँ मैं वीडियोज़। जो भी है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, और आप इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियोज़ को, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर लो, बस करके जाओ। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ख्याल रखना।